It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. Muniba Mazari, the Iron Lady of Pakistan. दुनिया का लोग आज उसे जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ तक का सफर उतना आसान नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का वो लाइन है आज बहुत याद आ रहे हैं कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। 18 साल की उम्र में शादी, बट इट वॉज नॉट ए हैप्पी मैरिज। शादी का 2 साल बाद ही कार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। समहा उनका हस्बैंड तो कार से निकल गए, लेकिन मुनीबा मजारी नहीं निकल पाए और कार जाके गिरा एक खाई में। उनको रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। डॉक्टर ने कहा बिकॉज ऑफ सीरियस इंजुरी वो कभी पेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे डॉक्टर फिर आए और कहा बिकॉज ऑफ स्पाइन इंजुरी वो चल नहीं पाएगा। सी टेक्स अ लॉन्ग ब्रेथ एंड से इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट डे डॉक्टर फिर आए और कहा बिकॉज ऑफ द स्पाइन इंजुरी सी वॉन्ट बी एबल टू गिव बर्थ ए चाइल्ड। वो संतान को जन्म नहीं दे सकता। हर लाइफ बिकम डिवास्टेटेड। अब तो उसे भी लगने लगा था भगवान उसे जिंदा क्यों रखा। शायद ऊपर वाले कुछ और लिख रहा था उसके तकदीर में। तकलीफें सिर्फ इतने तक ही नहीं थे, और भी तकलीफें दर्द उसे सहना था। अब तो उसको भी लगने लगा था ये तो बस शुरुआत है। फिर जिसका डर था वही हुआ। उस दिन बाद उसके हस्बैंड ने भी डाइवोर्स ले ली। हॉस्पिटल में वो उसके ब्रदर को कुछ पेपर एंड पेंसिल लाने के लिए कहा, कुछ ड्राइंग करने के लिए। लोग आए, पेंटिंग को देखे, उसको एडमायर किए। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो लवली, सो कलरफुल, बट नो वन कैन सी द ग्रिप बिहाइंड इट। उसके पास 2 रास्ता था, या तो हार मान ले जिंदगी से, और या तो लड़ते रहे अपने तकलीफों से, अपनी मुसीबतों से। मुनीबा मजारी ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया और हिम्मत करके उसके हस्बैंड का सेकेंड मैरिज के दिन टेक्स्ट मैसेज किया कि आई एम सो हैप्पी टुडे फॉर यू। और कहते हैं ना, जब सब आपके हाथ छोड़ दे तब खुदा आते हैं आपका हाथ थामने। शायद खुदा को भी इतना दुख मंजूर नहीं था। फिर मुनीबा मजारी अपनी लाइफ को अपनी तरीकों से जीना चाहे, पेंटिंग को ही अपना जीने का सहारा मान लिया। कुछ साल मेहनत करने के बाद शी बिकम्स द नेशनल एम्बेसडर फॉर यूएन वुमेन पाकिस्तान एंड शी ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड इन द 100 इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ 2015 बाय बीबीसी एंड फॉर्ब्स 30 अंडर 30। बन गया द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। पूरा दुनिया का लोग आज उसे जानते हैं। उसने वो मुकाम हासिल की जिसका वो सपने भी नहीं सोचा था, और जो कमी थी सी वॉन्ट बी एबल टू गिव बर्थ ए चाइल्ड, वो कभी माँ नहीं बन सकता, वो भी पूरा हो गया। पाकिस्तान का एक हॉस्पिटल से 2 दिन का बच्चा उसने अडॉप्ट ले ली। सो डियर फ्रेंड्स, मुनीबा मजारी की इस लाइफ स्टोरी से एक बात तो क्लियर हो जाते हैं कि जिंदगी में कुछ भी होना मुमकिन है। सो चलते रहना तब तक जब तक सांसें तुम्हारा साथ है। Failure is not an option. Live the every moment. So be grateful, be alive, and live every moment. Thank you so much, everyone.